Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी के सांसद अतुल राय ने बाहुबली सांसद मुख्तार अंसारी से अपनी जान को खतरा बताया था। इसी वजह से मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी के नैनी सेंट्रल जेल में शिफ्ट करने के बजाय बांदा जेल में भेजा गया था। यह खुलासा प्रयागराज के एसपी इंटेलिजेंस की एक गोपनीय रिपोर्ट से हुआ है। उस रिपोर्ट की कॉपी एक चैनल को हाथ लगी है। बताते चले कि बीते 5 अप्रैल को इस संबंध में उस चैनल ने खबर चलाई थी, जिस पर इस खुफिया रिपोर्ट ने मुहर लगा दी। यूपी की घोसी लोकसभा सीट बहुजन समाज पार्टी के सांसद अतुल राय ने इसी साल मार्च में सीएम योगी और एमपी एमएलए कोर्ट को पत्र लिखकर बहुजन समाज पार्टी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से अपनी जान को खतरा बताया था। सांसद ने मुख्तार अंसारी पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था। सांसद अतुल राय ने पत्र में सीएम और कोर्ट से अपील करते हुए कहा था कि मुख्तार अंसारी को नैनी जेल में शिफ्ट न किया जाए, क्योंकि वो उनके लिए खतरा बन सकते हैं। इसी के बाद मऊ के विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल में लाया गया था। दरअसल सांसद अतुल राय की गुहार पर प्रयागराज के एसपी इंटेलिजेंस ने इस मामले में खुफिया जांच की थी, जिसमें उन्होंने अतुल राय की जान को खतरा होने की बात की पुष्टि की थी। उस रिपोर्ट की कॉपी न्यूज चैनल को हाथ लगी थी। यह खुफिया रिपोर्ट हाल ही में सामने आई है। इस संबंध में 5 अप्रैल को खबर प्रकाशित की गई थी। सांसद अतुल राय ने यूपी के सीएम को खत लिखकर गुहार लगाई थी कि मुख्तार को नैनी जेल में शिफ्ट न किया जाए, क्योंकि उनसे उनकी जान को खतरा है। उनकी गुहार सुन ली गई या संयोग हो सकता है कि मुख्तार को बांदा जेल में शिफ्ट किया गया हो। लेकिन अतुल राय के खत के दो मायने निकाले जा रहे हैं। पहला यह कि अतुल राय ने यह लेटर मुख्तार को बचाने के लिए लिखा है, क्योंकि वह उनके ही आदमी हैं। दूसरा यह कि अतुल राय को वास्तव में मुख्तार को खतरा है, क्योंकि उन्होंने मुख्तार ही नहीं उनके परिवार का सपना तोड़ा है। परिस्थिति ऐसी हो गई कि अतुल राय पर मुख्तार का आदमी होने का ठप्पा लग गया। अब अतुल राय इस ठप्पे से आज़ादी चाहते हैं। राजनीति में उनकी हैसियत मुख्तार से बड़ी हो चुकी है। आगे की राजनीति करनी है तो मुख्तार की छत्रछाया से बाहर निकलना ही होगा। सांसद अतुल राय रेप के मामले में नैनी जेल में बंद हैं। गौरतलब है कि 6 मार्च 2020 में वाराणसी के तत्कालीन एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने सांसद अतुल राय के पिता के पुनः विवेचना पत्र और साक्ष्यों के आधार पर एसपी सिटी वाराणसी की ओर सीओ वेलुपुर से जांच कराई थी, जिसमें आपराधिक साजिश की बात सामने आई थी। दोनों ही आपराधिक अधिकारियों ने अग्रिम विवेचना के संतुष्ट लिखी थी, लेकिन वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने अग्रिम विवेचना का आदेश पारित नहीं किया था। माना जा रहा था कि मामला विपक्ष के सांसद का है, लिहाजा इस केस में पक्षपात किया गया था। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.